ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं वो अपने बाइट में वो कह रहे हैं अंडरकवर रिपोर्टर को, आवर फोकस वॉज टू गेट ट्रंप आउट ऑफ ऑफिस, CNN टेक्निकल डायरेक्टर मेक्स कैंडिड एडमिशन टू अंडरकवर प्रोजेक्ट वेरिटास रिपोर्टर, ही थॉट ही वॉज ऑन डेट विथ आफ्टर लिस्टिंग हिज एम्प्लॉयर ऑन टिंडर। टिंडर एक ऐप है जिसके माध्यम से वो दोस्त बनाते हैं। आप प्ले करिए जरा सा प्रोजेक्ट वेरिटास के अंडरकवर रिपोर्टर को, वो कह रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा था वो एजेंडा था ट्रंप को बाहर करना। I think we got him through this term. We would always show shots of him jogging, him in aviator shades, and like it's like. Charlie Chester का bite जो था, Charlie Chester की bite play कीजिए. This is unbiased news. Any reporter I've seen, okay. What they're actually doing is they're telling the person what to say. It's always like leading them in a direction. There's no such thing as unbiased news. But with any reporter on CNN, okay. What they're actually doing is they're telling the person what to say. It's always like leading them in a direction. इसमें एक और बाइट होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट था इसलिए। That once the public is will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, global warming, and it's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like. ये CNN इंटरनेशनल जो टेलीविजन चैनल है, गो देयर, इनका टैगलाइन आता है गो देयर। ये टेड टर्नर का ऑर्गेनाइजेशन है। टेड टर्नर के बारे में मैं आपको बताऊं कि दुनिया के ये जो फर्जी लिस्ट आता है ना कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और एलन मस्क के बारे में तो मैं मान सकता हूँ। बिल गेट्स के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि लैंड होल्डिंग के भी मामले में 269,000 एकड़ बिल गेट्स के पास है, और ये जो टेड टर्नर है ये थर्ड बड़े लैंड होल्डिंग वाला ग्रुप है या व्यक्ति है, और इनका कम से कम 17-18 लाख हेक्टेयर का लैंड होल्डिंग है अकेले अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में। तो इतना धनी आदमी है। उसका टेक्निकल डायरेक्टर कहता है कि वो अनबायस्ड न्यूज जैसा कुछ होता नहीं है, निष्पक्ष समाचार का कोई मतलब नहीं है। हमें तो देखिए कि जो डर है, फियर सेल्स, डर बिकता है तो हम डर बेच रहे हैं। और आजकल हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ट्रंप को आउट करना था, वो पहला प्रोजेक्ट था। अभी दूसरा प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है, वो प्रोजेक्ट है क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना। और क्लाइमेट चेंज को हम बताएंगे पूरी दुनिया में कि वो भय का वातावरण है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, डोंट प्ले। तो ये उसके बारे में ये चार्ली चेस्टर बतला रहे हैं। फिरोज भाई, ये जूलियन असांजे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने डॉक्टर उडो उल्फकोट ने किताब लिखी प्रेस्टिट्यूट, बहुत माना हुआ बुक था और पूरी दुनिया में रहा। वो खुल करके सामने आए कि पिछले 25, 30, 40 वर्षों से जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, वेस्ट मीडिया का एक ही एजेंडा है रसिया को काउंटर करना। वेस्ट मीडिया का एक ही एजेंडा है इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया, इस सब को काउंटर करना। और ये जूलियन असांजे ने इसको तफसील से विकिलीक्स में एक्सपोज किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपोज किया था। आप सबको मालूम है जूलियन असांजे के साथ क्या हो रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये मीडिया के बारे में फिरोज भाई आपकी क्या अवधारणा है, आप क्या सोचते हैं मीडिया को लेकर? मैं तो मीडिया के बारे में
सन 2000 के आसपास एक्चुअली मुझे भी पत्रकार में बहुत रुचि थी, मैं खुद एक लेखक हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता हूँ, मगर मैंने भारतीय मीडिया का भी रोल देखा था कि चाहे वो अभी की सरकार हो या पहले की सरकारें हो, किस प्रकार से सरकारों की लाइन लेने वाली मीडिया वो उनकी एक फितरत बन चुकी थी, और उस किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की श्रृंखला कम होती जा रही थी, तो वो तो इंडिया की बात थी। मगर आज जो आपने डॉक्टर उड़ो की जो बात की है, मैं उनका एक पैराग्राफ पढ़ के सुना था, उन्होंने क्या लिखा था, और उन्होंने ये भी कहा था, 2014 में उनकी एक किताब आई थी बॉट जर्नलिस्ट, जो खरीदे गए पत्रकार है, वो बेस्ट सेलर बन चुकी दुनिया में, मगर उन्होंने कहा कि एक भी मेरे जर्मन पत्रकार साथी ने उस किताब के बारे में जिक्र किया, ना एक रिव्यू हुई। और ये जर्मनी के एक बड़े अखबार के एडिटर रह चुके थे, वो छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे, एक बड़े पत्रकार एडिटर थे, और ये उनकी हालत थी जर्मनी के अंदर। उन्होंने ये भी बात कही कि ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, यहां तक उन्होंने बोल दिया था। 2014 में किताब आई, 2017 में गुजर गए, ओके गुजर गए या मर्डर हुआ वो एक अलग ही बात है, मगर वो क्या लिखते हैं आज के संदर्भ में देखिए वो क्या लिख रहे हैं। आई एम फियरफुल फॉर अ न्यू वॉर इन यूरोप, मुझे डर है कि यूरोप में एक नई वॉर करवाई जा रही है, एंड आई डोंट लाइक द सिचुएशन वेयर वॉर इज नॉट कमिंग बाय इटसेल्फ, वॉर अपने आप नहीं आ रही है, इट इज बीइंग ब्रॉट बाय पीपल, बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड बाय जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकारों में वो ताकत है कि वो वॉर को ला सकते हैं। ये उन्होंने इराक के टाइम पे देखा था WAD की लाइफ के बारे में, ओके वी हैव बिट्रेड आवर रीडर्स, हमने अपने पत्रकारों का को बिट्रे किया है जस्ट टू पुश फॉर वॉर। आई डोंट वॉन्ट दिस एनी मोर, आई एम फेड अप विद दिस प्रोपेगेंडा, वी लिव इन अ बनाना रिपब्लिक नॉट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद प्रेस फ्रीडम, मतलब ये जो ऊपर ऊपर के जो इलेक्शन विलेक्शन हो जाते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पे, मगर यही लिबरल डेमोक्रेसी के माध्यम से वॉर्स हो रही है, कोई बुश करेगा, कोई क्लिंटन करेगा, कोई ओबामा करेगा, कोई मैक्रॉन ब्लेयर करेगा, कोई गॉर्डन ब्राउन टोनी बोरिस जॉनसन करेगा, ओके ये लिबरल डेमोक्रेसीज तो है क्या, ये लिबरल डेमोक्रेसीज है। बट देन इन दैट आर्टिकल, वो जो किताब में वो बात बोल रहे हैं कि एक हम लोग चार स्तंभों की बात करी, मगर दुनिया में एक पांचवा स्तंभ आ चुका है, विच इज बिल्ट अराउंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ट्रांसएटलांटिक ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, बिलियनर्स। ये एक फिफ्थ कॉलम है जो ये ताकत अलग अलग देशों को चलाती है, उनका पासपोर्ट कुछ भी हो मगर ये कोई भी देश का नहीं है, इनका पासपोर्ट कुछ भी हो, हमको लग रहा है कि भाई बिल गेट्स अमेरिकन है, अडानी इंडियन है, इनका कोई पासपोर्ट का मतलब नहीं है, इनका कोई राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, दीज आर ओलिगार्क्स रनिंग देयर कंट्रीज एंड द वर्ल्ड, ये है बेसिकली एक किताब का सार, ओके और उडोल फुलकोटे ने ये बात 2014 में बोली थी, मुझे ठीक से याद है, ये अच्छा है कि आज अपने उस पूरे इशू को देश के सामने दुनिया के सामने लाया है, क्योंकि क्योंकि वो बोल रहा है 2014 में कि वी आर बीइंग पुश्ड फॉर वॉर इन यूरोप, और आज 2023 में वो देख रहे कि वॉर यूरोप में शुरू हो चुकी है, यही भूमि थी जहाँ World War I, World War II हो चुकी है, World War III भी यूरोप से शुरू होने की संभावना भी आ चुकी है, ओके कल की खबर है कि यूके सेंडिंग टैंक्स विद डिप्लीटेड यूरेनियम बॉम्ब सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई के अंदर, वो हमने देखा था कि वो इराक में आ चुका था, और आज इराक के बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे, कैंसर फैल रहा है, ये अभी वापस यूके करने जा रहा है, ओके और उससे मुझे जो और एक तनाव की बात है कि कल का हमारा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है अशुतोष भाई, हेलो कल का जो टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल है वो उसी किस्म का एडिटोरियल है, उसी किस्म का एडिटोरियल है जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल ये बोल रहा है कि रूस और चीन की जो दोस्ती बनती जा रही है वो भारत के लिए घातक है। अरे घातक नहीं है,
इनफैक्ट जो दो पोल आज दुनिया में है, एक जगह पे अमेरिका और यूरोप खड़े हैं, दूसरी जगह पे चीन और रूस खड़े हैं, तीसरा पोल का लीडरशिप भारत के पास आ चुका है। दैट वॉज वॉट नेहरू वॉज सेइंग कि दुनिया में जब भी इस किस्म के पोल खड़े होंगे, जो थर्ड वर्ल्ड के लीड कंट्रीज है, जो कॉलोनियल ताकतों से अभी अभी आजाद हुए हैं, वो अपनी तीसरी ताकत बनाएं जो दोनों ताकतों से बात करेंगे। तो आज दुनिया में एक नेचुरल लीडरशिप वापस भारत की बन चुकी है, एक न्यू नॉर्मलाइज मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, उसका स्वरूप ऑफकोर्स अलग होगा।